हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन नाउ लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द रेलिवेंट टॉपिक विंड एंड स्टॉर्म। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द विंड cause of moving air, cause of blowing wind, and the factors affecting the air pressure. In this class, once again, we will repeat the same thing. We will discuss about the same topic. Now, let's start. Wind. What is wind? The moving air is called wind. What is wind? Moving air, that means the air is in motion, is known as wind. Last class में हमने इस पर चर्चा किया था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि विंड या मूविंग एयर का कारण क्या है। What is the cause of moving air? What is the cause of blowing of wind? तो इसके आंसर में हम लोग देख लेते हैं कि जो अर्थ में नीचे है, अर्थ सरफेस का असमान रूप से हीट होना, गर्म होना इज द काउज ऑफ मूविंग ऑफ एयर, इज द काउज ऑफ ब्लोइंग ऑफ विंड। असमान रूप से अर्थ सरफेस का गर्म होना मूविंग एयर का कारण। That means cause of moving air or blowing of wind, what is the cause? Uneven heating. The uneven heating of the earth surface. Uneven heating of the earth surface is the cause of blowing of wind. Earth surface ka asaman roop se garm hona. Reason bhi bataya, explain it is here. Ki uneven heating hone se kya changes hote, kya variation hote. To kisi bhi two reason. Earth surface ke kisi do place ka. अगर एक जगह टेम्परेचर हाई हो, दूसरी जगह टेम्परेचर लो हो, तो जिस रीजन में, जिस प्लेस को हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट होगा, वहां का एयर गर्म होकर वो राइज करेगा, वो ऊपर उठेगा, और उस जगह पे लो प्रेशर एग्जिस्ट होगा। ड्यू टू राइजिंग ऑफ द वार्म एयर from a particular place exists low pressure at that place because of which the cold air from the surrounding moves towards the place to fulfill
the empty space. एक चीज हमें जान लेना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एयर प्रेशर को अफेक्ट करता है, कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण एयर प्रेशर प्रभावित होता है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले कुछ सिंपल टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। First of all, air pressure. We should know about air pressure. What is air pressure? The pressure is exerted. The pressure is exerted by the air, by the weight of the air, the pressure is exerted by the weight of the air on the earth surface. Is known as air pressure. The pressure exerted by the weight of the air on the earth's surface is known as air pressure. अर्थ सरफेस के एयर के वेट के बल जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर उत्पन्न होता है, उस प्रेशर को एयर प्रेशर कहते हैं। एंड एट यूनिट एरिया द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द एयर दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एक यूनिट एरिया वन मीटर स्क्वायर एरिया एट एरिया ऑफ वन मीटर स्क्वायर द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एट एन एरिया ऑफ वन मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर एरिया में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर वेरिएशन इन प्रेशर द काउज ऑफ मूविंग ऑफ एयर इज ड्यू टू वेरिएशन इन द प्रेशर। डिफरेंसेस इन द प्रेशर ऑफ एयर एट टू रीजंस एट टू डिफरेंट प्लेसेस। जब किसी दो स्थान पे एयर प्रेशर डिफरेंस होता है, वेरिएशन होता है, तब एयर विंड मूव करता है। किधर से किधर मूव करता है? फ्रॉम हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। एयर मूव्स from the region of high pressure towards the region of low pressure. High pressure वाले region से low pressure वाले region की ओर हमेशा air move करता है। तो कह सकते हैं कि variation in temperature, variation in pressure is the cause of moving of air. हवा चल रही थी, विंड ब्लो करने के कई फैक्टर। इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ और टॉपिक जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया, मॉनसून विंड। अब लो प्रेशर कहाँ होता है, हाई प्रेशर कहाँ होता है, इसके लिए हमें कुछ टर्म्स क्लियर करने हैं कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर। दैट मीन्स What is the factor which affect the air? कौन कौन से
फैक्टर है वो कौन कौन से कंपोनेंट है, वो कौन से कारक है जो एयर प्रेशर को प्रभावित करता है, एयर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग थ्री फैक्टर्स मेंशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, सेकेंड इज हाइट फ्रॉम द सी लेवल एल्टीट्यूड, एंड थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी। वंस अगेन, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज height above the sea level, and third one is humidity, that means moist air. Now we should know about the temperature, how is it affect the air pressure, temperature kaise air pressure ko prabhavit karta hai. As we know that it is the property of substance expands on heating and contracts on cooling, air also expands on heating and contracts on cooling. That means increasing the temperature decreases the density of air. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहां के एयर का डेंसिटी कम जाता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। गर्म होने के बाद एयर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर होने लगता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर इज एग्जिस्ट, यानी जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा एयर प्रेशर वहां कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने पर एयर प्रेशर घटता है, जस्ट अपोजिट दैट इज वाइस वर्सा, डिक्रीजेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एयर प्रेशर, बिकॉज the air particles come closer to each other. जब temperature decrease होता है, जब temperature घटता है, तो जो particles of air है वो पास आने लगते हैं, and that increases the density and adjust the higher pressure. And that is why always the direction of moving of air, blowing of wind from the cold region towards the warm region. हमेशा जो blowing of wind का direction होता है, हवा चलने का जो direction होता है, वो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर होता है, cold region से warm region की ओर, hot region की ओर करता है, मूव करता है। एंड इट इज द काउज ऑफ मॉनसून विंड, इट इज द काउज ऑफ मॉनसून विंड। मॉनसून विंड की अगर बात की जाए, मॉनसून में मॉनसून विंड जब एयर और विंड मूव्स फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, जब हवा समुद्र से समतल की ओर मूव करती है, तो उसके साथ में उस एयर के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, एंड आफ्टर कूलिंग इट फॉल्स ओवर द लैंड एज द फॉर्म ऑफ रेनफॉल।
What is the monsoon wind? The wind is blowing from the ocean towards the land, containing large amount of water vapor is known as monsoon wind. नोट करते जाएंगे सब तक, ऐसे रिटेन नोट्स आपको अवेलेबल दिख रहे जाएंगे स्टडी मटेरियल में, लेकिन फिर भी जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो जो मेन पॉइंट्स है, कुछ सिंपल टर्म्स है जो हम बोलने के साथ साथ कुछ दिखाएंगे भी, तो आप पेन नोटबुक लेकर साथ रहोगे, जो इम्पोर्टेंट लगे लिखने का प्रयास करेंगे। स्टडी मटेरियल में तो नोट्स अवेलेबल करा जाएंगे, आज से आपके स्टडी मटेरियल में पीडीएफ हो या पेज में हो या वीडियो क्लिप हो, ये आपको मिलेंगे, इन्हें देखना है, साथ में आपको नोट करना है, और जितना भी कवर हो रहा है अब आज से उसको 100% रिमेम्बर भी करना है, याद करते जाना। तो नाउ मॉनसून विंड, इससे पहले के क्लास में रीडिंग लगाने के लिए आपसे कहा गया था, तो की रीडिंग करूंगा। इससे क्या होगा कि जो भी टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीजें हम एक्सप्लेन कर जा रहे हैं, उसमें कुछ भी नया सा या कुछ अजीब नहीं लगेगा, चीजें आपको आसान और जानी पहचानी लगेगी। तो चलिए आइए देखते हैं मॉनसून व्यू, व्हाट इज मॉनसून व्यू। मॉनसून व्यू द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ocean towards land, containing large amount of water vapor. Containing large amount of water vapor. Is known as monsoon winds. If you is the cause of weather. किस रूप में आता है? रेनफॉल के रूप में, वर्षा के रूप में, एंड इट इज द कॉज ऑफ रेनफॉल। वी कैन सी क्लियरली दैट द एयर मूव्स फ्रॉम द कोल्ड रीजन, एज वी नो दैट ड्यूरिंग द समर इन द डे टाइम, in the daytime land becomes hot or warmer compared to the ocean. Land surface jo hai wo ocean ki tulna mein water ki compare jaldi garm hota hai, and that is why the air above the land rises up and the air above the ocean moves towards the land, because when the hot air from the land surface rises up, low pressure is exist on the land, and
the high pressure above the sea, above the ocean, the air moves from the ocean towards the land. जब लैंड सरफेस जल्दी गर्म होता है तो सरफेस के ऊपर का जो एयर होता है वो गर्म होकर तेजी से राइज करता है, ऊपर उठता है। अब ओशन के ऊपर जो एयर है वो चूंकि ठंडा है कंपेयर टू लैंड सरफेस, तो वो लैंड सरफेस की ओर मूव करता है। साथ ही साथ जो एयर एवं द ओशन से मूव करता है, ओशन के ऊपर का जो एयर होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स भी होते हैं, और जब वह लैंड सरफेस के ऊपर आता है आफ्टर कूलिंग ठंडा होने के बाद बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इट फॉल्स ऑन द ओवर द अर्थ सरफेस, इट फॉल्स ओवर द अर्थ सरफेस एज द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो जब लैंड सरफेस के ऊपर आता है कंडेंसेशन होता है, फिर से वो वाटर में कन्वर्ट होता है और वर्षा के रूप में रेनफॉल के रूप में वो लैंड सरफेस पर आता है। Now we should know what is the factor affect the air pressure. इसे पहले नाम हम लोग क्या कहते हैं, the factors. The factors affecting the air pressure. The factors affecting the air pressure. First one is temperature. Second one is height from the sea level. And third one is that means moist air. So first of all temperature. इससे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि temperature जब बढ़ता है तो air pressure घटता है। क्यों घटता है, कैसे घटता है, एक बात फिर से हम इसे बताएंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर को बढ़ता है, और वी कैन से दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर प्रेशर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर प्रेशर, दैट मींस इंक्रीजेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस द प्रेशर, डिक्रीजेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस द प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर घटता है, टेम्परेचर घटता है प्रेशर बढ़ता है, कैसे? हाँ, अभी हम लोग यह बात कर रहे थे कि जब किसी चीज को भी गर्म किया जाता है तो गर्म होने पर वो हल्का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर हीटिंग एंड आफ्टर कूलिंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं। तो जब एयर का पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होता है तो प्रेशर घटता है, जब एयर का पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि टेम्परेचर किसी भी क्षेत्र के, किसी भी प्रेशर का, किसी भी प्लेस का एयर प्रेशर को कैसे प्रभावित करता है, या एयर प्रेशर कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यह क्लियर हो गया।
टेम्परेचर बढ़ने पर एयर प्रेशर घटता है, टेम्परेचर घटने पर एयर प्रेशर बढ़ता है. इज इट क्लियर? नाउ हाई फ्रॉम द सी लेवल द मैक्सिमम प्रेशर एग्जिस्ट ऑन द सी लेवल. सबसे ज्यादा प्रेशर जब भी होता है तो सी लेवल पर एग्जिस्ट करता है. If we move above the sea level, pressure decreases. If we move downward from the sea level, also decreases. यदि सी लेवल से आप ऊपर उठते हो, ऊपर जाते हो तो भी एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, नीचे जाते हैं तो भी एयर प्रेशर डिक्रीज होता है. बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर मैक्सिमम एट द सी लेवल. एयर का डेंसिटी सबसे ज्यादा सी लेवल पर होता है, अर्थ सरफेस पर होता है. अर्थ सरफेस के ऊपर जाने पर डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होता है, अर्थ सरफेस के नीचे जाने पर भी डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होता है. कहने का मतलब सबसे ज्यादा एयर अर्थ सरफेस पर होता है. अगर अर्थ सरफेस से ऊपर भी जाते हैं तो भी एयर घटता है, प्रेशर घटता है. अगर अर्थ सरफेस के नीचे भी गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं तो भी प्रेशर डिक्रीज होता है. And that is the cause of altitude sickness. आपने अक्सर सुना होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं या जो न्यू कवर माउंटेनियर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम्स वो जा रहे होते हैं, वो वेल प्रिपेयर नहीं होते हैं अच्छे तरीके से, वो उस क्लाइमेट का, उस सिचुएशन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं. तो जैसे ही एक पर्टिकुलर हाइट पर जाते हैं तो बेहोश होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, या ब्लीडिंग फ्रॉम नोज स्टार्ट हो जाता है, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाते हैं. दैट इज ड्यू टू चेंज इन प्रेशर. एयर प्रेशर में चेंज होने के कारण, घटने के कारण ऐसा होता है. यहाँ पर जब हम अर्थ सरफेस पे होते हैं, आप इसे समझ सकते हो कि जब अर्थ सरफेस पे होते हो, आप ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, ऐसा कोई भी फील नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं. नहीं, नॉर्मली एक नॉर्मल वे में हम ब्रीदिंग करते हैं. लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर हाइट पर जाते हो, 1000 मीटर एंड एबोविट, तो वहां पर हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है. नहीं, वहां पर हमें ब्रीदिंग करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जोर से इस तरह से हमें खींचना पड़ता है. ऐसा लगता है कि जैसे हम फोर्स लगाकर एयर को अपनी ओर खींच लें. बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर एट द हाइट डिक्रीज. आप जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाते हो, एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है. सेम सिचुएशन डेप्थ में होते हैं. तो यह क्लियर हो गया होगा कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर प्रेशर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट मींस उल्टा. उल्टा करने का मतलब कि दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी. दैट मींस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ए, डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ बी. यानी ए का वैल्यू बढ़ने पर बी का वैल्यू डिक्रीज होता हो, या बी का वैल्यू डिक्रीज होने पर ए का वैल्यू इंक्रीज होता हो. तो ए का वैल्यू के जस्ट अपोजिट चेंज दूसरे में होता हो तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो हाइट चाहे डेप्थ में नीचे जाइए या एयर में ऊपर जाइए, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी. What is humidity? The amount of water vapor. The amount of water vapor present in the air. That is known as humidity. Air, जो present amount of water vapor है, उसे हम humidity कहते हैं, moist air. जितना
बल्कि मिशन समाप्त हो गया। बहुत बहुत